हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताने वाले हैं मोटरसाइकिल अलार्म सिस्टम के बारे में। आज हम आपको बताएंगे आपको अपनी गाड़ी स्प्लेंडर में कैसे इंस्टॉल करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम बॉक्स ओपन करते हैं। तो सबसे पहले हमें दो इसके अंदर रिमोट मिलते हैं, एक चाबी वाला की वाला रिमोट मिलता है, जो कि तुम किसी भी चाबी वाले के पास जाके 40-50 रुपये में अपनी बाइक की बनवा सकते हो। एक इसके साथ हमें अलार्म मिलता है और एक इसके साथ हमें पावर सप्लाई मिलती है, जो कि अलार्म सिस्टम को चलाएगा। तो चलिए हम जान लेते हैं इसके अंदर तारों के बारे में। सबसे पहले दो तार आती है इसकी इंडिकेटर की, जो कि हमारी दो इंडिकेटर में जाएगी। फिर उसके बाद सेल्फ की तार आएगी, जिससे हमारा सेल्फ स्टार्ट होएगा। फिर आएगी हमारी माइनस प्लस, जिससे हमारी बैटरी में जाएगी जो तार। एक हमारी आएगी ऑरेंज तार इसमें, जो हमारी जाएगी ब्रेक स्विच में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हम दिखाते हैं आपको कैसे इंस्टॉल होती है बाइक में। तो चलिए हम अपनी बाइक को खोल लेते हैं। तो जैसे कि आपको बताया था, इसमें दो पीली तार है, ये इंडिकेटर में जाएगी। तो इसको हम फटाफट से कपलर में लगा के ज्वाइंट कर देंगे। तो इसको हमने ज्वाइंट कर लिया है। फिर हमको लगानी है दो बैटरी वाली वायर। तो इसमें ब्लैक और रेड वायर है, तो ब्लैक और रेड वायर को हम ले लेंगे बैटरी के अंदर। तो चलिए हम बैटरी के अंदर इसको लगा लेते हैं। तो ब्लैक तार हमने माइनस में लगाना है, बैटरी के माइनस वाले में। जो रेड मिलेगा हमें, रेड तार हमें प्लस में लगाना है बैटरी के। एक तार आपको ब्लैक मिलता है, वो आपको लगाना है माइनस में। अभी इसमें तीन तार बची है, एक तार जाएगी हमारी फ्लैशर में। तो चलिए हम आपको लगा के दिखाते हैं इसे फ्लैशर में। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें एक ब्लैक कलर की तार है। तो ये ब्लैक कलर की तार हमारी, ऑरेंज तार हमारी ब्लैक कलर में लग जाएगी। इसको हमने ज्वाइंट कर दिए। अभी ये तार जो बहुत पुरानी गाड़ियाँ होती थी तो उनमें वर्क करती थी, तो इसमें इस तार की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये वेस्ट है। तो इसको हम साइड कर देते हैं। अब हम अपना अलार्म इसमें ज्वाइंट कर लेते हैं। और लास्ट वायर बचती है हमारी ब्लू कलर की, जो कि हमारी सेल्फ में जाएगी। तो चलिए हम इसको भी आपको लगा के दिखा देते हैं। तो इसको हम ऐसे क्लिक से ऐसे निकाल लेंगे। तो हम इसमें देख लेंगे, इसमें ये पीले कलर की तार है, पीली और रेड कलर की वायर है। तो इसमें हम अपनी सेल्फ वाली तार लगा देंगे। ये लास्ट वायर हम इसमें ब्लू वाली इसमें लगा देंगे। फिर हम अपनी रिले लगा देंगे। तो उसमें हमें दो रिमोट मिलते हैं। चलो अब हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो हमने सारी वायर ज्वाइंट कर दी है, अब हम इसकी टेस्टिंग करके दिखाते हैं आपको। हमारे हैंडल लॉक स्विच बंद है और रिमोट से अब हम पहले इसको सेल्फ मार के दिखाते हैं आपको गाड़ी में। इसको आपको एक बार प्रेस करके दोबारा प्रेस करना, हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हो, हमारी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। अब मैंने इसकी की भी निकाल ली है। ये हमने सेंटर लॉक से स्टार्ट की है इसको। तो अब हम इसको बंद कर देंगे लॉक से ही, रिमोट सिस्टम से ही। ये अनलॉक का बटन है, इसको हम एक बार प्रेस करेंगे तो ये बंद हो जाएगी। अगर हमारी गाड़ी कहीं पार्किंग वगैरह में खड़ी है तो ये सायरन का बटन है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे हम इसको आप दबाएंगे तो इसके इंडिकेटर में लाइट जलेगी। जैसे कि आपने देखा, अगर आपको कहीं पार्किंग में खड़ी करके जानी है गाड़ी, तो आपको ये लॉक दबाना है। अब ये लॉक हो गई है हमारी गाड़ी। अब इसको कोई भी आप
कोई भी आके छुएगा ऐसे, तो ये सायरन सायरन बोलेगा इसके अंदर, ऐसे कोई भी छुएगा। तो अब हम इसको वायरिंग को ऐसे सेट कर देते हैं, यहाँ से थोड़ी अंदर हम इसको अपने कपलर को ऐसे सेट कर देते हैं, ऐसे हमारी वायरिंग आ जाएगी। सारी वायरिंग को अंदर कर देते हैं, इसको ऐसे सेट कर देते हैं, उसके बाद हम इसको अपनी गाड़ी को पैक कर देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए।